अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1। दिस इज़ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, द हिस्ट्री ऑफ सेल, मतलब डिस्कवरी किसने की सेल की। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स है और कुछ टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी इस चैप्टर में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल से। सेल, व्हाट इज सेल, ये सेल क्या चीज है। सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेलोला। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लतीनी जबान का लफ्ज है सेलोला। एंड सेलोला मीन्स स्मॉल रूम और स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटा कमरा, एक छोटा बिल्डिंग। इसका ये हिस्ट्री क्या है सेल का, कि ये सेलोला क्यों दिया गया है, किसने दिया है इसको। जब हिस्ट्री में हम जाते हैं तो पहले एरिस्टोटल ने सेल के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया। एरिस्टोटल ने सेल के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया है रिपीट। क्या रिपीट, व्हाट इज मीन बाय रिपीट। ये बहुत पुरानी वक्त है, सेल की कोई कंसेप्ट नहीं है। ये इंसान जब पैदा होता है तो बार बार इसके हाथ रिपीट होते हैं, इसकी आईज रिपीट होती है इंसान में, पौधों में पत्ते रिपीट होते हैं, ठीक है। हर जानदार में हर कोई अर्गन वापस रिपीट हो सकते हैं। दिस रिपीट का लफ्ज इस्तेमाल किया एरिस्टोटल ने। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। इसने बड़ा काम किया इसमें, रॉबर्ट हुक। दिस रॉबर्ट हुक वॉज इन इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट। ये एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट था। इसने एक बोतल पड़ा हुआ था, बॉटल था, इसके जो सर थी इट इज कवर्ड बाय अ लेड, एक ढक्कन था। एंड दिस लेड इज मेड अप कॉर्क, एक कॉर्क था, दी कॉर्क बना हुआ था वुड से, लकड़ी से। सो ही टुक दिस वुड, ये लकड़ी ली, ये वुड है। ही मेक थिन स्लाइस ली ऐसे, और इसको फिर मैं स्टडी किया। एक उसका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। इस सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इस स्लाइस को स्टडी किया। आफ्टर स्टडिंग जब ऑब्जर्व किया तो इसमें इसको हनी कम्ब लाइक छोटे छोटे रूम्स नजर आए, जस्ट लाइक हनी कम्ब। ये मधुमक्खी जो होती है ऐसे, हनी कम्ब लाइक, एक ऐसे चैम्बर्स नजर आए इसको। इस छोटे चैम्बर को इसने नाम दिया सेलोला। लेटर ऑन इसका नाम रखा गया सेल, खुलिया, ठीक है। अब इस सारी काम जो किया रॉबर्ट हुक ने, एक बुक लिखा माइक्रोग्रेफिया इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ द रॉबर्ट हुक। ये माइक्रोग्रेफिया बुक है, किसका बुक है, ये बुक लिखा किसने लिखा, रॉबर्ट हुक ने लिखा, और जो काम किए इसको सारी इस बुक में लिखती। फिर बाद में एंटन वॉन लेवन हुक एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ही स्टडीड रेन ड्रॉप्स, कुछ बुक्स ने लिखा है रेन ड्रॉप स्टडी किया, कुछ बुक्स ने लिखे पॉन्ड वाटर ली, तालाब का पानी। वो तालाब का पानी तो वो भी बारिश की वजह से होते हैं ना, तालाब में जब पानी जमा होती है तो बारिश की वजह से जमा होती है, ठीक है। खैर छोड़िए, रेन ड्रॉप लिए या पॉन्ड वाटर लिए,
इसको स्टडी किए अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप ही स्टडीड दिस वाटर. इस वाटर में ही सी स्मॉल क्रिएचर्स, छोटी छोटी क्रिएचर्स देखी इसमें. और ये ड्रॉप है, इस रेन ड्रॉप में इसने छोटे छोटे क्रिएचर्स देख लिए. एक छोटे क्रिएचर का नाम रखा एनिमल क्यूल. सो फर्स्ट टाइम पे फ्री सेल देखा गया, नज़र में आया फ्री सेल आया नज़र में कि सेल फ्री फॉर्म, यह तो प्लांट सेल है. और सेल को इंडिविजुअली नहीं देखा गया, एक टिश्यू के शक्ल में देखा गया है. यहाँ पे एंटानवान लेवनहेक ने सेल को फ्री देखा. सो अगर हम एमसीक्यूज निकालना चाहें तो रॉबर्ट हुक वाज इन इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है. उसने सेल को डिस्कवर किया प्लांट में. सो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर हुआ है वो प्लांट सेल में डिस्कवर हुआ है, ठीक है, वो प्लांट सेल है. फिर ऐसा किया कि जो सारा काम किया रॉबर्ट हुक ने, इसको एक बुक में लेकर माइक्रोग्रेपिया में, माइक्रोग्रेपिया क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक. लोगों ने सेल को कुछ पहचानना शुरू किया. बाद में आया है एंटानवान लेवनहॉक, उसने एक रैन ड्रॉप को स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप. और इस रैन ड्रॉप में ही सा स्मॉल क्रिएचर्स, और इस स्मॉल क्रिएचर का नाम रखा क्या, एनिमल क्यूल के नाम इस पर रखा. अब ये तो सेल लोगों ने पहचान लिया. अब ये सेल का शेप क्या होगा, शेप ऑफ सेल क्या होगा, शेप ऑफ सेल. फिर क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि शेप के अलावा सेल का साइज क्या होगा, सेल साइज. और फिर सेल की फंक्शन क्या होंगे. सो शेप ऑफ सेल तो वेरी हो सकता है. शेप ऑफ सेल में भी राउंड सेल आपको राउंड शेप भी मिलेगा, ठीक है. जैसा कि आरबीसी, आरबीसी राउंड है. सेल में भी स्पेरिकल भी हो सकता है, जस्ट लाइक एन एग. सेल में भी इररेगुलर भी हो सकता है, जस्ट लाइक अमीबा. अमीबा भी जस्ट एक सेल है, WBCZ भी एक सेल है, इररेगुलर है. सेल में भी थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरॉन, न्यूरॉन ऐसे थ्रेड लाइक है. स्पर्म ये भी थ्रेड लाइक है. अभी सेल के साइज को आते हैं. सो सेल आल्सो वेरी इन साइज, साइज में भी सेल वेरी है. स्मॉलेस्ट जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. माइको प्लाज्मा एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल. इट इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, वाहिद बैक्टीरिया है जो जिसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, जिसकी वजह आपने याद रखना है. 0.2 माइक्रोमीटर साइज में है. एंड लार्जेस्ट एक जो है ना, लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑस्ट्रिच एग, अबाउट 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक लेंथ में है. यस लार्जेस्ट, यस स्मॉलेस्ट है. अभी सेल फंक्शन में व्हाट डू सेल परफॉर्म, सेल परफॉर्म मेनी फंक्शन. अंग का सेल है, इट्स फंक्शन इज साइट. कान का सेल है, इट्स फंक्शन इज हेयरिंग, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. और जबान का, टंग वाला सेल है, टेस्टिंग भी करता है, टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ मेनी फ्लेवर्स. इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीच. नेजल कैविटी वाले सेल्स जो होते हैं ना, वो इट हेल्प इन अल्पेक्शन, सूंघने के हिस्से में काम करता है, ठीक है. सो सेल परफॉर्म मेनी फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय मल्टी सेलुलर, व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सो वन सेल ऑर्गेनिज्म में एक सेल डू ऑल द एक्टिविटीज, जबकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वन सेल परफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक फंक्शन. एंड दिस इज कॉल्ड सेल स्पेसिफिसिटी. एंड सेल स्पेसिफिसिटी में एक सेल एक स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन होता है. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.